हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं मोस्ट वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। सेक्सुअल ऑफेंसेस आईपीसी में सीरीज चल रही है, जिसमें दो सेक्शन हमने कवर कर लिए हैं और चैप्टर 16 जो है अभी आगे भी चालू रहेगा, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ पढ़ना है। और इन दो सेक्शंस के साथ में कुछ केस लॉज हैं जो कि लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, और कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो कि कुछ सेक्शंस में हुए हैं, कुछ एक्ट्स में हुए हैं। तो ये सारे के सारे हमारे लिए पढ़ने बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इन केसेस को और अमेंडमेंट्स को छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आपने ये सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है पढ़ा ही नहीं ढंग से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट। और आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इस केस के बारे में ही आपको बताऊंगी, बाकी के केस लॉ, बाकी के जजमेंट जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको दिख रहा है तुकाराम बना महाराष्ट्र राज्य, इसे हम मथुरा का वाद यानी मथुरा केस के नाम से भी जानते हैं। AIR 1979, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 185। पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैक्ट्स है जो मैंने ऊपर लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी कहानी भी पढ़ेंगे। आपकी सुविधा के लिए और अपनी भी सुविधा के लिए मैंने इसको एक कॉपी में यानी कि एक पेज में नोट कर लिया है, और बहुत ही आसान भाषा में आपको भी समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो आप भी नोट कर सकते हैं। इस मामले में यह भी निर्धारित किया गया था कि परिस्थितियां लड़की के सामने भय की उपस्थिति या उसके द्वारा निष्क्रिय समर्पण के सिद्धांत को नकारात्मक सिद्ध कर दे रही है तो अभियुक्त को रिहा कर देना होगा। लड़की आरोप लगाती है कि उसके साथ में बलात्कार हुआ है, और यहाँ पे लड़के की तरफ से ये बात आती है कि कोई बलात्कार नहीं हुआ है, उस लड़की की रजामंदी थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये इसमें जजमेंट आता है कि अगर लड़की को बलात्कार होते समय कोई भी डर की स्थिति नहीं है और ऐसा नहीं है कि उसने डर की स्थिति में आकर के अपने आप को सामने वाले के हवाले किया है, अगर ऐसी बात नहीं है तो हम अक्यूज्ड को अच्छे तरीके से यानी साफ तौर पर रिहा कर देंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर लड़की के साथ में डर की स्थिति होती है तभी वो सहमति देती है। आपने सेक्शन 375 में जब मैंने आपको बताया था, या फिर आपको पहले से भी पता होगा कि जब लड़की को मौत का डर दिखा के या हर्ट का, ग्रीवियस हर्ट का डर दिखा करके सहमति मांगी जाती है या सहमति ली जाती है तो वो सहमति कहलाती नहीं है। यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि अगर लड़की की को कोई डर नहीं है और डर से उसने अपने आप को समर्पित नहीं किया है तो यहाँ पर उस व्यक्ति को हम रिहा कर देंगे जिसके खिलाफ में आरोप लगा है बलात्कार का। अब आते हैं हम लोग इस केस की कहानी पे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये केस, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आते हैं इस केस पर। इस वाद को मथुरा के वाद के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें कुछ अलग से समझाने की जरूरत होगी तो मैं आपको समझाऊंगी, नहीं तो मैं आपको बोलूंगी उसी में आपको समझ में आ जाएगा। मथुरा 15 साल की अनाथ हरिजन लड़की थी। भगाए जाने की रिपोर्ट पर उसके भाई ने प्रस्तुत किया पुलिस स्टेशन में, यानी कि लड़की साफ साफ पता चल रहा है घर से भाग गई थी और उसके भाई ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई थी। मथुरा अपने भाई गामा के साथ रहती थी और ऐसा बोला जाता था कि मथुरा का जो प्रेम प्रसंग है यानी अफेयर है वो अशोक नाम के लड़के के साथ था और उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। और ये बात सामने आई कि मथुरा जो है अपने प्रेमी के साथ चली गई है, अब वो अपने भाई के घर पे नहीं है। इसके बाद उसके भाई ने देसाईगंज थाना जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र में लड़की के भगाए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब उन लोगों को पकड़ लिया गया। अब इस अनुसंधान के बीच में मथुरा और बाकी जितने लोगों को पकड़ा गया था पुलिस अभिरक्षा में ही रखा गया। जब वे लोग पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए वो लोग पुलिस स्टेशन में थे, लेकिन जब वो लोग जाने लगे तो मथुरा को गणपत नामक कांस्टेबल ने पुलिस स्टेशन में ही रोक लिया और काफी रात तक उसे वहीं रोके रखा। गणपत उस समय थाने में ड्यूटी कर रहा था, वो मथुरा को शौचालय में ले गया और वहां उसके साथ में बलात्कार किया। इसके बाद जो दूसरा कांस्टेबल था तुकाराम,
वो भी प्रलोभन में आ गया। अब उसको भी लालच आ गया कि उसको भी करना चाहिए। उसने भी बलात्कार की कोशिश की, लेकिन वो शराब के नशे में इतना धुत था कि वो बलात्कार कर ही नहीं पाया। लेकिन फिर भी उसने लड़की का शील भंग कर दिया। अब ये आरोप लगाया गया कि इन दोनों कांस्टेबलों ने ड्यूटी पर रहते हुए थाने के दरवाजे को भीतर से बंद कर लिया और चारों ओर से अंधेरा कर लिया। ये घटना 1972 में घटी। विचारण के समय चंद्रपुर के सत्र न्यायाधीश ने आरोपित बलात्कारियों को मुक्त कर दिया। उन्होंने ये निष्कर्ष दिया मुक्त करने के साथ ही कि गणपत नामक जो कांस्टेबल है उसको बलात्कार का दोषी नहीं कहा जाएगा, जबकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि संभव है कि थाने में गणपत और मथुरा के बीच में यौन संभोग जो है हुआ हो। उसके अनुसार यौन जनित संभोग और बलात्कार के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। मतलब यहाँ पर जज कह रहे हैं सेशन कोर्ट के कि यहाँ पे बलात्कार और खुद की रजामंदी से यौन संबंध बनाना दो अलग अलग बात है, और इस मामले में बलात्कार का किया जाना सिद्ध नहीं हो पाया क्योंकि उन्हें यही लगा कि लड़की की सहमति से सब कुछ हुआ है। सत्र न्यायाधीश ने मथुरा को बहुत ज्यादा झूठी कहकर अपना निर्णय दे दिया। अब अपील चली गई बम्बई हाईकोर्ट में। बम्बई हाईकोर्ट ने सत्र न्यायाधीश के निष्कर्ष को पलट दिया और गणपत को बलात्कार का दोषी ठहराते हुए उसे 5 साल के कठोर कारावास का दंड दे दिया। दूसरे कांस्टेबल तुकाराम को इसी न्यायालय ने शील भंग के अपराध के लिए 1 साल का कठोर कारावास की सजा सुना दी। उच्च न्यायालय का निष्कर्ष था कि जो भी परिस्थितियां बताई गई है उसमें यह संभव नहीं है कि मथुरा ने यौन संभोग की सहमति दी थी। मतलब उनको ये लग रहा था कि नहीं हुआ है, मतलब इस लड़की ने कंसेंट नहीं दिया है। न्यायालय का कथन था कि सहमति और निर्विरोध समर्पण के बीच में बहुत अंतर है। ये तो बिल्कुल है कि अगर हम बिना विरोध किए सहमति दे रहे हैं तो यानी कि हम भी उस चीज में अग्री हैं, और अगर हम विरोध के साथ समर्पित करते हैं खुद को यानी कि हम डर के भय से, मौत के डर से या फिर हर्ट के डर से ऐसा करते हैं, और ये निष्कर्ष दिया गया कि मथुरा ने पुलिस के व्यक्तियों की धमकियों के समक्ष मात्र अपने को समर्पित कर दिया। अब धमकी मिल रही है तो जाहिर सी बात है डर से ही किया। बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है अभियुक्त ने 15 सितंबर 1978 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निष्कर्ष दिया कि अन्य कारणों के साथ एक कारण ये भी है कि केवल मृत्यु का भय या चोट का भय ही यौन संभोग की सहमति के लिए विवश कर सकता है। जाहिर सी बात है ये भी सही बात है, और इस प्रकार के किसी भी भय का उल्लेख जो है इस केस में प्रलेखित नहीं है। मतलब ऐसा इस केस में दिख ही नहीं रहा है। और ये कि गणपत के दोषी होने का पर्याप्त स्थिति मूलक है ही नहीं, मतलब गणपत यहाँ पे दोषी है ऐसी स्थिति नजर ही नहीं आ रही। उच्चतम न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को मुक्त करते हुए ये निष्कर्ष दिया कि मथुरा को किसी ऐसे डर का शिकार बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है जिसकी वजह से अपने शरीर पर किए गए कार्य के लिए समर्पित होने के लिए विवश किया जाए। मतलब ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से वो डर गई और उसने हां भर दिया, और उसके शरीर पर किसी भी ऐसे घाव और चोट के निशान भी नहीं है जिससे ये दिख सके कि उसके साथ में जबरदस्ती की गई है। सारा मामला जो है शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ और लड़की द्वारा कही गई जो भी कहानी है वो बिल्कुल झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मथुरा को थाने में रुकने के लिए गणपत ने आदेश दिया तब मथुरा अकेली नहीं थी, और भी लोग थे, तो उस समय मथुरा को विरोध करना चाहिए था कि वो थाने में अकेली नहीं रहेगी। और वो क्यों रहे, वो चुपचाप गणपत के पीछे पीछे चली गई और शांतिपूर्ण ढंग से गणपत को पूरी तरीके से आत्मसंतुष्ट करने का अवसर मिल गया। इससे ये क्लियर होता है कि सहमति यहां उसने अपनी स्वेच्छा से दी है और ये सहमति शांतिपूर्ण थी।
मात्र एक असहाय समर्पण नहीं दिख रहा था यहाँ पे। ये जो जजमेंट था, इस जजमेंट का जो है पूरी भारत में भयंकर विरोध हुआ और ये बोला गया कि कोई भी लड़की जो है के साथ में जब कोई दूसरा व्यक्ति जिससे वो नहीं चाहती नहीं जानती वो उसके साथ बलात्कार करता है तो वो कभी सहमति दे ही नहीं सकती। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे, संस्था थे, बहुत कुछ ऐसा हुआ उस समय जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट पर तब भी कायम रहे। उन्होंने बार बार यही कहा कि इस केस में कहीं भी ऐसी झलक दिखाई नहीं देती जहां पे ऐसा लगे कि मथुरा ने जरा सा भी विरोध किया या उसकी सहमति के बिना हुआ। ये साफ साफ कंसेंट का मैटर दिखता है, लड़की की यहां पर कंसेंट थी, लेकिन ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत विरोध हुआ और बात बहुत आगे बढ़ गई। अब आगे क्या हुआ ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, आगे भी बहुत कुछ है जानने के लिए। इसके इस जजमेंट के आने के बाद में क्या क्या बदलाव हुए ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करती हूं कि आज का केस का फैक्ट और केस आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगा होगा पढ़ने में। अगर आप ऐसा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो। बाकी के फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिनको बहुत प्रॉब्लम है टीचर्स की, जिनको बेसिक समझ में नहीं आता है या फिर जो महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस नहीं ले पाते हैं उनको भी। और अगर आपको मेरे वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक कर दीजिए, नहीं आते तो अनलाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें और इससे रिलेटेड आपकी कोई समस्या कोई बात कोई पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में इसी सीरीज के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।